दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस नॉवल को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है द ग्रेट गैट्सबी। दोस्तों द ग्रेट गैट्सबी जो नॉवल है इसको लिखा था एक अमेरिकन फिक्शन राइटर फ्रांसिस स्कॉट फिट्ज़जेरल्ड ने। दोस्तों फ्रांसिस स्कॉट फिट्ज़जेरल्ड एक अमेरिकन फिक्शन राइटर होने के साथ साथ इनके करियर के बारे में एक बात और बताता हूँ आपको मैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में कर्जे के चलते हॉलीवुड फिल्मों में स्क्रीन प्ले भी लिखा है। दोस्तों ये इनको अल्कोहल की बुरी आदत थी। मैं आपको बता दूँ द ग्रेट गैट्सबी जो है इसको 1924 में लिखा गया था पेरिस और यूएस में, और दोस्तों 1925 में इसको पब्लिश करवाया गया था। ये जो नोवेल है इसकी सेटिंग रखी गई है न्यूयॉर्क और बहुत सारी जगहों पर, और इसका फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों बहुत ही फेमस नोवेल है, एक मॉडर्न नोवेल है। हम लोग ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1922 से। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। निक कैरवे नाम का एक बंदा है जो मिनेसोटा से न्यूयॉर्क जाता है बॉन्ड का बिजनेस करने। वहाँ जाकर ये वेस्ट एग नाम की एक जगह पर एक घर रेंट पर लेता है, वहाँ पर रहता है। ये जगह दोस्तों न्यूयॉर्क में एक बस्ती की तरह थी जो एक लंबे से आइलैंड पर थी। इस जगह पर न्यू रिच लोग रहते थे, न्यू रिच लोग भरे पड़े थे। तो निक भी यहीं आया था। निक ने अपनी ग्रेजुएशन वेल से की है, और ऐसे ही वेस्ट एग की तरह ईस्ट एग भी एक टाउन है जहाँ से इसके कनेक्शन है, यानी कि इसकी एक कज़न है जो वहाँ पर रहती है। इसकी कज़न का नाम है डेजी। तो अब एक रात क्या होता है, ये निक अपनी कज़न सिस्टर डेजी और उसके हस्बैंड टॉम के साथ में डिनर करने जाता है। दोस्तों ये टॉम भी निक का पुराना दोस्त है। ये टॉम और निक साथ में पड़े हुए हैं। तो अब ये तीनों डिनर करने गए तो इनकी मुलाकात हुई जॉर्डन नाम की एक लड़की से। ये लड़की प्रोफेशनली गोल्फ खेलती है, मतलब गोल्फ खेलना इसका काम है। अब ये निक की इस जॉर्डन से दोस्ती हो गई, ये दोनों आपस में दोस्त बन गए। तो ये जॉर्डन निक को क्या बताती है कि इसका जो ये ब्रदर इन लॉ है, यानी कि इसका जीजा, ये टॉम, तुम्हारी बहन का पति ये टॉम, इसका कहीं अफेयर चल रहा है। ठीक है, तो उस रात ये डिनर करके पार्टी करके वापस अपने घर वेस्ट एग आ गया। अब दोस्तों घर आकर के इसने क्या देखा, इसका एक पड़ोसी है, इसका एक पड़ोसी है जिसका नाम है जे गैट्सबी। ये बड़ा ही स्ट्रेंज सा कैरेक्टर था। तो निक इसको पहली बार देखता है और नोटिस करता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ये टॉम निक को वापस एक पार्टी के लिए बुलाता है। ये टॉम का जिस लड़की के साथ अफेयर है, मर्टल, जो कि एक मैरिड लेडी है, और उसके हस्बैंड का नाम है जॉर्ज विल्सन। जॉर्ज विल्सन एक ऑटो शॉप का मालिक है। तो ये मर्टल भी उसी पार्टी में आ जाती है और बहुत ही शराब पी लेती है। शराब पीने के बाद ये डेजी का मजाक भी बनाने लगती है, जिससे टॉम को इस पर गुस्सा आता है और गुस्से में ये घूंसा मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। किसकी? इस मर्टल की। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा गैट्सबी के बारे में भी बताता हूँ। ये गैट्सबी भी बड़ी बड़ी पार्टीज देता रहता है, इसके पास बहुत पैसा है, ये बहुत ही अमीर आदमी है। तो एक पार्टी के अंदर ये निक जाता है, और ये पार्टी दी थी गैट्सबी ने सैटरडे नाइट को, वीकेंड पर। तो वहीं उस पार्टी में पहली बार निक की मुलाकात गैट्सबी से हुई, और अच्छी बात ये थी कि ये जॉर्डन भी वहीं थी। तो ये गैट्सबी जॉर्डन को प्राइवेटली बोलता है, ये गैट्सबी जॉर्डन से बात करता है और इसको प्राइवेटली बोलता है कि ये डेजी को बड़े लंबे टाइम से जानता है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के पहले से ये डेजी को जानता है। कहीं इसकी मुलाकात हुई होगी डेजी से पहले। तो ये स्टोरी ये जॉर्डन को सुनाता है, ये गैट्सबी, और ये गैट्सबी डेजी को पसंद भी करता है। तो ये जॉर्डन ये बात जाके निक को बताती है कि ये गैट्सबी तुम्हारी कज़न डेजी को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जानता है, और ये तुम्हारी बहन को पसंद भी करता है, और यहाँ पे इस एरिए में गैट्सबी ने घर इसलिए ख़रीदा है ताकि वो डेजी को इम्प्रेस कर सके, और वो इतनी बड़ी बड़ी पार्टीज़ भी इसलिए देता है ताकि वो इस डेजी को इम्प्रेस कर सके। तो अब ये गैट्सबी निक से क्या चाहता है, ये गैट्सबी निक से चाहता है कि ये इसकी और डेजी की मीटिंग फिक्स करवाए। तो निक राज़ी हो जाता है, वो अपनी कज़न डेजी और इस गैट्सबी के बीच में मीटिंग करवाने को मान जाता है, और ये इन दोनों की मीटिंग करवा भी देता है।
और इस मीटिंग के बाद में दोस्तों ये डेजी भी गैट्सबी को पसंद करने लगती है और इस गैट्सबी और डेजी का अफेयर शुरू हो जाता है। इसके बाद ये डेजी निक और गैट्सबी को लंच पर बुलाती है, जहां पर लंच पे टॉम और जॉर्डन भी होते हैं। अब दोस्तों लंच करते करते लंच के दौरान इस टॉम को लगभग शक हो ही जाता है कि इसकी वाइफ डेजी और गैट्सबी में कुछ चल रहा है। तो ये टॉम क्या करता है, सबको जोर देकर बोलता है कि चलो न्यूयॉर्क सिटी चलते हैं। लेकिन बीच में तभी प्लाजा होटल में क्या होता है, प्लाजा होटल में इस टॉम और गैट्सबी के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और इनके आर्ग्यूमेंट का रीज़न था डेजी। डेजी को लेकर के इन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। गैट्सबी इस टॉम से बोलता है कि तुम भले ही डेजी के हस्बैंड हो, लेकिन डेजी ने कभी भी तुमसे प्रेम नहीं किया, वो मुझे पसंद करती है। लेकिन तभी डेजी बोलती है कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड टॉम को बहुत पसंद करती हूँ। तो गैट्सबी ये सुनकर के भौचक्का रह जाता है और इसके बाद टॉम जो करता है वो बहुत ही गलत करता है। वो गैट्सबी को बोलता है कि मुझे पता है तुम इतने पैसे वाले कैसे बने, तुम्हारी नकली शराब बेचकर और तुम जो गैर कानूनी काम करते हो, तुम ये मत समझो उसके बारे में मुझे नहीं पता। ये टॉम बोल रहा है गैट्सबी को। इसके बाद दोस्तों ये गैट्सबी कसम खा लेता है कि ये आज के बाद कभी भी डेजी को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद दोस्तों ये टॉम डेजी को बोलता है कि तुम गैट्सबी के साथ घर जाओ। मतलब ये गैट्सबी को ही बोल रहा है, गैट्सबी और डेजी को जाने दे रहा है कि तुम एक साथ घर जाओ, क्योंकि गैट्सबी ने तो अब कसम खा ली है कि वो डेजी को परेशान नहीं करेगा। अब ये गैट्सबी और डेजी दोनों कार में बैठकर घर जा रहे थे। ये टॉम, निक और जॉर्डन ये थोड़ी देर बाद में आएंगे। तो अब क्या होता है, ये दोनों निकल जाते हैं गैट्सबी और डेजी घर की तरफ। तभी जब ये टॉम, निक और जॉर्डन ये तीनों जब बाद में घर जा रहे होते हैं, तो रास्ते में ये क्या देखते हैं, एक कार का एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट किसका हुआ था दोस्तों, इस मार्टल का। ये टॉम की जो गर्लफ्रेंड थी मार्टल, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो ऑन द स्पॉट मर गई एक्सीडेंट होने के बाद में। एक येलो कलर की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था और ये येलो कलर की गाड़ी किसकी थी, गैट्सबी की। तो अब ये टॉम इस गैट्सबी को बड़ी गालियां देता है, कहता है कि तुमने मार्टिन को मार दिया, बुजदिल इंसान। अब दोस्तों इसके बाद इस जॉर्ज विल्सन को जब पता चलता है कि इसकी वाइफ मार्टल की डेथ हो चुकी है किसी येलो कलर की गाड़ी से, और वो गाड़ी इसकी वाइफ के लवर की ही थी, यानी कि गैट्सबी की, तो ये जॉर्ज अपनी बंदूक लेकर गैट्सबी के घर आया और वहाँ आकर गैट्सबी को स्विमिंग पूल में ही मार दिया। और उसे मारने के बाद भी इसने खुद को भी मार लिया, खुद भी सुसाइड कर ली। इसके बाद दोस्तों इस निक को जब पता चला कि गैट्सबी मर चुका है, गैट्सबी को मार दिया गया है, इस जॉर्ज ने मार दिया है, तो इसको बड़ा दुख हुआ। इसके अलावा दोस्तों इसको एक बात और पता थी जो बहुत बड़ा राज था, कि जिस रात जो एक्सीडेंट हुआ था इस जॉर्ज की वाइफ का, मॉडल का, उस टाइम पर गाड़ी कोई और नहीं, डेजी चला रही थी। वो एक्सीडेंट डेजी से हुआ था और गैट्सबी ने वो इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया। इसके बाद निक ने गैट्सबी का एक छोटा सा अंतिम संस्कार रखा, एक फ्यूनरल रखा छोटा सा, जिसमें कोई भी नहीं आया, उस टाउन में से कोई भी नहीं आया उसके अंतिम संस्कार में। सिर्फ गैट्सबी के फादर थे और एक बंदा और था उस फ्यूनरल में। अब इस निक की जॉर्डन से भी लड़ाई हो गई, इसने जॉर्डन के साथ भी अपने रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया। इसके बाद ये निक वापस टॉम के पास गया और टॉम ने इसको बताया कि इस टॉम ने ही जाकर जॉर्ज को गैट्सबी के बारे में बताया था कि तुम्हारी वाइफ का मर्डर गैट्सबी ने किया है, जिसके बाद जॉर्ज अपनी बंदूक लेकर के आया और गैट्सबी को मारा। दोस्तों इसके बाद ये निक वहाँ से चला गया, वापस जहाँ से आया था, ये मिनेसोटा से आया था, ये वापस मिनेसोटा चला गया। लेकिन वहाँ जाने से पहले एक बार ये गैट्सबी के घर गया। गैट्सबी के घर जा कर के ये उस जगह पर भी गया जहाँ पे पहली बार इसने गैट्सबी को देखा था, और वहाँ पर खड़ा खड़ा ये सोचने लगा कि गैट्सबी वाकई कितना ग्रेट था। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।